नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी अनीता। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे पपीता की सब्जी। ये सब्जी नॉर्मली होती है, आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और खाने में इतनी टेस्टी और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से कट कर छिल कर इसको कट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं छिलना। तो इस तरह से सारे पपीते को हम छिल लेंगे। इस तरह से छिल रहे हैं और इस पर जगह जगह थोड़ा बहुत भी हरा हम दिखाई दे रहे हैं। इसको अच्छे से बिल्कुल हमें इस तरह से छिलना है कि ये जिस तरह से प्लेन हो गया है सारे छिलके हटा लेने हैं। बिल्कुल भी हरापन इसके ऊपर हमें नहीं रहने देना है। तो फाइनली आप देखिए हमने अच्छे से इसको छील लिया। अब इसको कट कर लेते हैं। कच्चा है तो आसानी से कट रहा है इस तरह से। और ये देखिए इसमें इस तरह का बीज भी निकला है। ये देखिए ये काजू के जैसा लग रहा है लेकिन ये तो बीज है। चलिए अभी इसमें जो ये हमें बिल्कुल दाने दाने से नज़र आ रहे हैं इनको पूरा हमें अच्छे से हटाना है इस तरह से अंदर से, तभी हम एकदम अच्छी सब्जी बना पाएंगे। तो चलिए इसको अभी हम हटा देते हैं। इस तरह से कट कर लेंगे इसको, अंदर से साफ करना इजी हो जाएगा। ये लीजिए। और फाइनली ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। कोई बीज जैसे इसमें हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और ये हमने अच्छे से निकाल लिया, इसको साफ़ कर लिया। तो इसी तरह से जितने बाकी पीस हैं उनको भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो फाइनली हमने सभी के अच्छे से निकाल लिए हैं बीज। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे और पकने में जो इजी हो। तो इस तरह से कट किया मैंने इसको इस शेप में। ये देखिए फाइनली जो है हमने इसको अच्छे से कट कर लिया। तो चलिए अभी इसको एक से दो बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने अच्छे से पपीते को काट कर वॉश कर लिया और अभी हम कढ़ाई में सरसों का ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो दो मीडियम साइज चम्मच हमने ऑयल इसमें ऐड किया है। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर राई ली है और मेथी दाना लिया है और यहाँ हमने सौंफ लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, दो छोटी इलायची और दो लौंग ये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। और यकीन मानिए जैसा ढाबे स्टाइल हम खाते हैं पपीते की सब्जी बिल्कुल सेम टू सेम आज हमारे घर में बनने वाली है। बहुत ही आसान और इजी तरीके से ये जो सामग्री है हमारे घर में अच्छे से अवेलेबल है, इसके लिए हमें मार्केट जाना नहीं पड़ता। तो चलिए ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो ऑयल गर्म होने पर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं सरसों के दाने। ये लीजिए थोड़ा सा हींग और मेथी दाना जितना आप लेना चाहें उतना, और सौंफ ये सभी हमें एक साथ ही ऐड करना है इसमें। अभी ऐड करेंगे तेजपत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और इलायची जो हमने ली है। यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप अगर लहसुन पसंद नहीं कर तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज़ का लिया हमने, वो ऐड करेंगे। हमें सुनहरे होने तक इसको फ्राई करना अच्छे से।
यहाँ ऐड करेंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर दे चुके हैं। तो चलिए अभी इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे हम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सब्जी जो बना रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़े सा पानी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये लीजिए बिल्कुल इतना ही, और इसी में हमें सब्जी बिल्कुल तैयार करनी है। आप चाहें तो ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में अक्सर बच्चे इसको सूखा सूखा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तरी वाली नहीं। तो एक से दो मिनट पकने देते हैं। तो फाइनली मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं पपीता जो हमने कट करके दो से तीन बार अच्छे से इसको वॉश किया है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसको पकने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो हम इसको बीच बीच में हम देखते रहेंगे, और जहाँ पानी की ज़रूरत होगी हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे बीच बीच में, वरना और मीडियम गैस पे ही इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पर हम बता दें, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए अभी इसको मैं देते हैं। तो यहाँ पर इसको ढक्कन लगा दिया हमने, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, कम से कम पकाते हुए हमें 5 से 4 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए नीचे से देख पा रहे हैं आप, चिपकने के जैसी हो चुकी है। ये देखिए इसने कलर ऐसा कर दिया। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी फिर से ऐड करते हैं, ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना हमें, बस इतना ही। और एक बार फिर से अच्छे से घुमा लेते हैं, और अभी तक हमें सब्जी को पकाने में कम से कम 5 मिनट और लगने वाले हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो चलिए अब इसको वापस से हम 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा फिर से हमें पकाते हुए इसको पूरे 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, और बिल्कुल जो पपीते की हमने सब्जी बनाई है बगैर तरी वाली, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए निकालते हैं अभी इसको। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेश धनिया नहीं है, तो यहाँ पर सुखा कर पीसा हुआ धनिया हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप इसमें फ्रेश धनिया डालें, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारी पपीते की सब्जी बनकर तैयार है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमने इस तरह से कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर तैयार की है, जो बच्चों को भी खाने में काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और इसी तरह से हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें।